नमस्ते मित्रों, हमारा आज का विषय है ध्वनि। इसमें हम पढ़ेंगे कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, ध्वनि का संचरण कैसे होता है, तरंग अथवा उसके प्रकार और ध्वनि के अभिलक्षण। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा संरक्षित होती है, यानी ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपमन वस्तु की जरूरत होती है। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का अपने स्थान से बार बार जल्दी जल्दी हिलना। जिस प्रकार एक पंछी अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाता है और उससे हमें ध्वनि सुनाई देती है, उसी प्रकार हम एक कंपमान वस्तु का प्रयोग करकर ध्वनि को उत्पन्न कराते हैं। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने चारों ओर के माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। यह कण स्वयं हमारे कानों तक नहीं पहुंचते। सबसे पहले जब कोई कंपमान वस्तु कंपन करती है तो वह अपने चारों ओर के माध्यम के कणों को भी कंपमान कर देती है। यह कण अपने आसपास के कणों पर जोर लगाते हैं, जिससे वह कण अपनी विराम अवस्था से हट जाते हैं। जब यह अपने आसपास के कणों को उनकी विराम अवस्था से हटा देते हैं तो प्रारंभिक कण अपनी पुरानी अवस्था पर वापस आ जाते हैं। माध्यम की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि अपने कानों तक ना पहुंच जाए। ध्वनि भी एक प्रकार की तरंग है। ध्वनि के संरचन के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गुजरता है और माध्यम के कण आसपास के कणों में हलचल पैदा कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण में भी ठीक ऐसा ही होता है और इसीलिए ध्वनि को तरंग के रूप में देखा जाता है। ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम का होना बहुत जरूरी होता है और सामान्यतः यह माध्यम वायु होती है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विलयन कहते हैं। कंपन वस्तु आगे और पीछे तेजी से गति करती है तो वायु में संपीड़न और विलयन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न और विलयन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र होता है और विलयन निम्न दाब का क्षेत्र होता है। दाब किसी माध्यम में दिए हुए कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जहां पर संख्या ज्यादा होती है वहां अधिक दाब होता है और कम संख्या होने पर कम दाब कहा जाता है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संरचन के रूप में दिखाया जा सकता है। ध्वनि को एक तरंग के रूप में देखा जाता है। तरंग के इस ऊपर उठे हिस्से को संपीड़न कहते हैं और इस निचले हिस्से को विलयन कहा जाता है। दो क्रमागत संपीड़ना अथवा दो क्रमागत विलयन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसका मात्रक यानी कि एसआई यूनिट मीटर होता है।
तरंग दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार होता है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा प्रकार होता है अनुप्रास्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। ध्वनि भी इसी प्रकार की तरंग होती है। अनुप्रास तरंग, इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, बल्कि तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। प्रकाश भी एक प्रकार की अनुप्रास तरंग है, लेकिन प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश तरंग के बारे में आप उच्च कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। ध्वनि के अभिलक्षण, ध्वनि के तीन अभिलक्षण होते हैं, आवृत्ति, आयाम और वेग। आवृत्ति, आवृत्ति से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घट रही है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। यदि हम एकांक के समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़नों और तथा विलयनों की गिनती करें तो हमें ध्वनि तरंग की आवृत्ति पता चल जाएगी। इसका मात्रक यानी कि एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विलयनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का समय सीमा काल कहते हैं। इसका मात्रक यानी एसआई यूनिट सेकंड होता है। तो हमने सीखा कि ध्वनि एक प्रकार की तरंग है जिसे संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु की जरूरत होती है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि का उत्पादन किसी कंपमान वस्तु के कंपन से होता है। तरंग दो प्रकार की होती हैं। ध्वनि के तीन अभिलक्षण होते हैं। धन्यवाद।